वेलकम टू जस्ट कुक इट। आज हम बनाने जा रहे हैं चार अलग तरह के पराठे, तो इस रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड वाला पराठा बहुत ही स्पेशल है। तो शुरुआत करते हैं आलू पराठा से। आलू पराठा सभी को बहुत पसंद होता है, तो पंजाबी स्टाइल आलू पराठा बनाने के लिए सबसे पहले दो आलू लेंगे उबले हुए, उसमें एक छोटा चम्मच जो है मेथी दाना क्रश करके डालेंगे। अब डालेंगे एक छोटा चम्मच अजवाइन, इसको भी हाथ से थोड़ा सा पीस लेंगे, मसल लेंगे। अब इसमें डेढ़ छोटा चम्मच अनारदाना पाउडर डालेंगे। साथ ही में हम डाल लेंगे एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्च और नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो ये बढ़िया तरीके से कंबाइन कर लेंगे इसे। तो ये जो मटेरियल हमने प्रिपेयर करा है इससे लगभग चार पराठे ही बन जाएंगे, तो फिलिंग्स के हमने चार अलग अलग पार्ट कर दिए हैं। अब आटे का एक रोल लेंगे, उसे अच्छे से हम बेल लेंगे। इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा घी, अगर आप ज़्यादा ऑयली पराठा पसंद नहीं करते तो ये स्टेप अवॉइड कर सकते हैं, घी ना भी लगाएं तो चलेगा, पर इससे जो है पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे बनाई हुई फिलिंग और इसे अच्छे से हम फोल्ड कर देंगे। इसे आप किसी भी तरीके की शेप दे सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर चाहे राउंड, हम यहाँ पर स्क्वायर पराठा बना रहे हैं आलू का। अब हम इसे अच्छे से रोल कर लेंगे, बेल लेंगे। तो हम जैसे कि बोला यहाँ पर स्क्वायर पराठा बना रहे हैं, तो इसको स्क्वायर ही शेप का बनाएंगे। आप हमारे चैनल पर एग पराठा की रेसिपी भी देख सकते हैं, तो अगर आप एग लवर हैं तो एग पराठा मस्ट ट्राई है। अब गरम तवे के ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी और इसके ऊपर हम पराठा जो हमने बनाया है वो डाल देंगे। इस पराठे को जो है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से सेक लेना है, दोनों तरफ से रोस्ट करना है, तो पलट लेंगे और दोनों तरफ से पकाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम घी और दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। आप चाहें तो घी की जगह तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहें तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर जो पंजाबी स्टाइल पराठा है उसका टेस्ट घी के बिना तो बिल्कुल नहीं आता, तो इसलिए हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम बढ़िया सा आलू पराठा जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम बनाते हैं दूसरा पराठा, जो कि है प्याज का पराठा। प्याज का पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे, उसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ी सी कटी हुई धनिया के पत्ते और एक छोटा चम्मच अजवाइन। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और कंबाइन कर लेंगे। फिलिंग जो है वो बनकर तैयार है। अब एक आटे का रोल लेंगे, इसे अच्छे से हम बेल लेंगे। इसमें भी हम अंदर लगाएंगे थोड़ा सा घी और इसके ऊपर अपनी फिलिंग डाल देंगे और फिर कर देंगे इसे फोल्ड।
तो यहाँ पर हम ये पराठा जो है वो राउंड शेप का बना रहे हैं, तो इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे राउंड शेप के लिए। अब इस पे थोड़ा सा आटा लगाएंगे और एक बार फिर इसे बढ़िया तरीके से रोल कर लेंगे। पराठा अच्छे से रोल हो गया है। अब हम इसे गर्मा गर्म तवे के ऊपर हल्का सा घी लगाकर डाल देंगे और दोनों तरफ से हमने इसे पकाना है। इसमें हम घी लगाएंगे अच्छे से दोनों तरफ और दोनों तरफ से इसे पका लेंगे। ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो हमारा एक स्पेशल पराठा है वो सबसे लास्ट में आएगा और उसकी रेसिपी शायद ही आपने कहीं देखी हो। तो प्याज का पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और अब जो है हम बनाने जा रहे हैं तीसरा पराठा, जो कि है मिस्सी पराठा। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. मक्खन और चटनी के। तो चलिए हम बनाते हैं सबसे स्पेशल पराठा, जो कि है लोबिया का पराठा। तो इसके लिए हमने एक बोल उबला हुआ लोबिया लिया है और इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे। ये पराठा जो है ये बहुत ही कम घरों में बनाया जाता है,
पर पंजाबी इसे बहुत अच्छे तरीके से खुश होके खाते हैं। और हमारे यहाँ तो ये ट्रेडिशन है कि हम इसे दिवाली पर बनाते हैं। तो अब अच्छे से मैश हो गया है, इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे और फिर इनको बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक आटे का रोल लेंगे और इसे अच्छे से हम बेल लेंगे। इस पे लगाएंगे घी और हमारी फिलिंग जो है बनाई हमने उसको इसमें डाल देंगे, अच्छे से फैला लेंगे सारी तरफ और फिर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम राउंड पराठा बना रहे हैं इसलिए हम इस तरीके से इसे बंद कर लेंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और एक बार फिर अच्छे से बेल लेंगे। तो बढ़िया तरीके से इसे हमने रोल कर लेना है सारी तरफ से बराबर। अब पराठे को डालेंगे हम गर्मा गर्म तवे पर और इसे अच्छे से हमने दोनों तरफ से पका लेना है। तो अब इसे एक तरफ से ये बन चुका है, इसे पलट लेंगे, अब दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। अब इसमें लगाएंगे घी और इसे पलट के दूसरी तरफ से पकाएंगे और दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप घी की जगह तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर घी जो है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये चार पराठों की कलेक्शन आपको कैसी लगी। लोबिया पराठा जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल जस्ट कुक इट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।